Hello friends, welcome to my channel Indori Chula. Friends, whenever I go to a party, the very first thing I look for is an appetizer. जी हाँ, आज हम बनाने वाले हैं एक ऐसा appetizer जिसे आप किसी भी party में या as an evening snack serve कर सकते हैं. And the best thing about this recipe is you can prepare it even a day before. So friends, आज हम बनाने वाले हैं pinwheel sandwiches. वैसे तो pinwheel sandwiches का कोई rule set नहीं है. You can put any ingredients you want, any ingredients available to you. बट आज हम बनाने वाले हैं मैक्सिकन पिनविल सैंडविचेस. फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लीव योर कमेंट्स एंड सजेशंस इन द कमेंट बॉक्स बिलो. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. स्पिनिश तौरतिया बनाने के लिए हमें चाहिए 2 कप मैदा, 2 कप पालक, 2 टीस्पून ऑफ बेकिंग पाउडर, 1 टीस्पून ऑफ सॉल्ट एंड 4 टेबलस्पून ऑफ ऑयल. फ्रेंड्स, स्पिनच को हमने बॉइल्ड वाटर में 2 मिनट के लिए डालकर उसे बॉईल कर लिया है और उसको उसकी एक बहुत ही अच्छी स्मूथ सी प्योरी बना ली है. इस प्योरी को अब हम आटा गूंदने के लिए इस्तेमाल करेंगे. सबसे पहले हम मैदे में डालेंगे 2 टीस्पून ऑफ बेकिंग पाउडर. फिर हम उसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून ऑफ सॉल्ट और 4 टेबलस्पून ऑफ ऑयल. अब हम इसमें ऐड कर उस इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे. अब हम आटे के अंदर हमारे पालक की प्योरी को डालकर इसका एक अच्छा सा डो तैयार करेंगे. आप पहले प्योरी को थोड़ा कम डालें और उसे अच्छे से आटे के साथ मिक्स कर लें और जैसी रिक्वायरमेंट लगती है उसके अकॉर्डिंग उसके अंदर आप और प्योरी ऐड कर सकते हैं. अगर प्योरी अगर कम भी हो जाए तो आप उसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर आटे को गूंद सकते हैं. ध्यान रहे, हमें यहाँ पर बहुत ही सॉफ्ट चपाती की तरह एक डो तैयार करना है. यहाँ पर देखिए, हमारा जो डो है वो बनकर तैयार है. हमने एक बहुत ही सॉफ्ट डो बनाया है. अब हम इस डो को 10 से 15 मिनट के लिए ढककर रख देंगे और इसकी लोइयाँ बनाकर तोर्तिया बनाएंगे. डो की जो हमने लोइयाँ बनाई थी उसका हम अच्छे से बेलकर चपाती की तरह उसकी तोर्तिया बनाएंगे. आपको बिल्कुल चपाती की तरह ही मीडियम हाई हीट पर सेक लेना है. दो कप मैदे में हमारी 5 से 6 तौर्तियां तैयार हो जाएंगी. तो यहाँ देखिए गाइस, हमारी जो तौर्तिया है वो तैयार है. अब हम बनाएंगे इसकी फिलिंग. पिनव्हील के अंदर फिलिंग बनाने के लिए हमें चाहिए रहेगा 1/2 कप ऑफ कॉर्न. कॉर्न को मैंने पहले से बॉईल कर लिया है. अगर आप कैंड कॉर्न यूज़ कर रहे हैं तो वो भी चलेंगे. 1/2 कप ऑफ ब्लैक बीन लिया है, ये भी कैंड बीन मैं यूज़ कर रही हूँ. 1/2 कप ऑफ ग्रेटेड चेडार चीज़ मैंने लिया है. क्रीम चीज़ मैंने लिया है 200 ग्राम. अगर क्रीम चीज़ अवेलेबल नहीं है तो आप हंग कर्ड भी यूज़ कर सकते हैं. नमक हमें चाहिए 1/2 चम्मच. येलो, ग्रीन, ऑरेंज और रेड बेल पेपर मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ, जिन्हें हमने बहुत ही बारीक काट लिया है. और हरा धनिया हमें चाहिए रहेगा. फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने लिया है 200 ग्राम क्रीम चीज़, जिसके अंदर मैं ऐड करूँगी 1/2 टीस्पून ऑफ सॉल्ट, 1/2 टीस्पून ऑफ पेपरिका या रेड चिली पाउडर. ध्यान रहे, क्रीम चीज़ आपको बिल्कुल रूम टेम्परेचर पर लेना है, जिससे कि उसे मिक्स करने में या उसको स्प्रेड करना बहुत ही इजी हो जाता है. तो यहाँ हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा हम इसमें हरा धनिया डालेंगे. आप चाहें तो स्प्रिंग अनियन भी यूज़ कर सकते हैं. और ये फिलिंग हमारी स्प्रेड करने के लिए रेडी है. फ्रेंड्स, तोर्तिया को आप एक एल्यूमिनियम फॉइल या प्लास्टिक रैप के ऊपर रख कर
क्रीम चीज़ की फिलिंग को उस पर अच्छी तरह से फैला दें। उसके बाद हम उसके ऊपर डालेंगे हमारी चॉप्ड बेल पेपर्स। फिर हम ऐड करेंगे हमारे कैंड बीन्स। कॉर्न हम इसके ऊपर डालेंगे। हरा धनिया उसके ऊपर हम ऐड करेंगे। और फिर हम इस पर डालेंगे ग्रेटेड चेडार चीज। उसके बाद हम तोर्तिया को धीरे धीरे एल्युमिनियम फॉइल की हेल्प से अच्छे से एक रोल बना लेंगे। एल्युमिनियम फॉइल या प्लास्टिक रैप की हेल्प से बहुत ही टाइट रोल बनेगा। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप उसका एक रोल बनाकर इसको उसी फॉइल के अंदर या प्लास्टिक रैप के अंदर रैप कर हम 1 से 2 घंटे के लिए फ्रिज के अंदर रख देंगे। आप चाहें तो इसे 1 दिन पहले भी बनाकर रख सकते हैं ओवरनाइट, पर कम से कम 1 से 2 घंटे आप इसे फ्रिज में इस तरीके से रैप करके ज़रूर रखें। तो देखिए, यहाँ पर 2 घंटे बाद मैंने इसको फ्रिज से निकाल लिया है और इस रैप को हम ओपन करेंगे तो ये रोल पूरा इस तरीके से बना हुआ रहेगा। अब हम इसके पीसेस कर लेंगे। सबसे पहले आप इसके कॉर्नर्स थोड़े से निकाल लें। उसके बाद हम इसके सभी एक साइज़ के पीसेस काट कर तैयार कर लेंगे। फ्रेंड्स, देखिए हमारे पिनव्हील सैंडविचेस इस तरह से सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू इंदौरी चूल्हा एंड लीव योर कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।